गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोना महामारीच्या याच्यामध्ये इसके अलावा आप यहां पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग लगातार कतार में लगे हुए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। तो ये है तस्वीरें कुमार काकड़े मित्र मंडल की। प्रेरणा से प्रेरित होकर कुमार काकड़े मित्र मंडल आप सभी गणेश भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हुए। आज ये पवित्र भूमि उज्जैन महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। हे गणेश भक्तों, महाकालेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर सदा रहे, ऐसी प्रार्थना हम गणेश जी से करते हैं। नमस्कार, मैं दिखाई गई है उज्जैन में महाकालेश्वर। उज्जैन में किस तरीके से ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, इसकी पूरी यहां पर शिक्षा दी गई है, ये पूरी कथा दिखाई दी गई है। और इसके अलावा इसके बाद बप्पा की झांकी दिखाकर बप्पा से यही प्रार्थना की गई है कि भक्तों पर अपनी कृपा लगातार बनाकर रखें। इसके अलावा शंकर भगवान के जो भक्त उन पर भी कृपा बनाए रखें। इस झांकी से कहीं ना कहीं बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है, बच्चों को इसका ज्ञान इससे मिलेगा। इस तरीके से उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान की स्थापना की गई थी, उसके बाद यहां पर आप यहां की तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहां पर बहुत ही मनमोहक तरीके से बप्पा के रूप को सजाया संवारा गया है। कितनी ऊंची मूर्ति है, उसके बाद ऊपर आपको गुंबद जो दिखाई दे रहा होगा वहां पर फूलों से सजावट की गई है। इसके अलावा यहां पर जो झांकी दिखाई गई है, इस झांकी में आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों पर कि किस तरीके से शंकर भगवान ने यानी भगवान गणेश के पिताजी ने दुष्यंत दैत्यराज की का वध किया, और इसके अलावा उसके बाद शिव भक्तों को आशीर्वाद दिया, और उसके बाद उज्जैन में शंकर भगवान का स्थापित हुआ। इतने सालों से ये सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। आम्ही दर वर्षाप्रमाणे कुमार काकडे मित्र मंडळातर्फे चलचित्र म्हणजे कुमार गणेशोत्सव साजरा करीत आहोत। या गेल्या दोन वर्षापासून आपण कोरोना महामारीच्या याच्यामध्ये संपूर्ण देश जग आपण झालेलं आहोत महामारीच्या याच्यामध्ये, तर यावर्षी आपण धूमधडाक्याने गणेशोत्सव साजरा करायचा आहे। यावेळी आपण उज्जैन महाकालचं दर्शन देणार आहोत। ज्या प्रकारे महाकालने ऋषीमुनींना वाचवण्यासाठी रौद्र महाकालचं रूप घेतलं, त्यानुसार आपण गणेशोत्सव माध्यमातून लोकांना म्हणजे राक्षसाचा कसा वध केला जातो हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। तो सुना आपने किरण काकड़े ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा आप यहाँ पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से लोग लगातार कतार में लगे हुए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। लगातार यहाँ पर बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर महिलाएं हो, एक लगातार कतार में लगे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पर जो झांकी प्रस्तुत की जा रही है उसे देखने के लिए और बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ पर रात को अक्सर यहाँ पर काफी यहाँ पर के लिए लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर खड़े रहते हैं और काफी उत्सुक होते हैं, काफी लालायित होते हैं। और कहीं ना कहीं इन सभी इस झांकी को देखने के बाद में इन्हें एक चाहती है कि किस तरीके से उज्जैन में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। शिव शंकर महाकाल, महाकाल भगवान शिव का विकराल रूप है। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब दैत्यराज दुष्यंत अमरता का वरदान पाने के लिए रत्नमाला पर्वत पर घोर तपस्या करता है। ओम ब्रह्म देवाय नमः।
तुमसे अति प्रसन्न है। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? बस आंखें खोलो, वर मांगो। राम परम पिता ब्रह्मा भगवान मुझे सर्वशक्तिमान अजय होने के साथ किसी भी प्रयोग करोगे उसी क्षण तुम अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इनके सिवाय दूसरा कोई तुम्हें मार नहीं सकता। को ही नष्ट कर दूंगा।